अनी अमृत है। बच्चों, पानी मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधों सभी के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर पानी ना हो तो हमारे कितने काम रुक जाएंगे या अधूरे रह जाएंगे। पानी से बिजली भी बनती है। पानी हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। इसे प्रदूषित होने से बचाना है। आज हम पानी के बारे में ही पढ़ेंगे और जानेंगे कि पानी को अमृत क्यों कहा गया है। सूरज तप रहा था, धरती जल रही थी। शादी के 2 साल बाद एक राजपूत अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने घर ला रहा था। मरुभूमि की यात्रा करते उन्हें 3 दिन बीत गए। अभी 18 घंटे की यात्रा शेष थी। हलक सुखियो है, पानी है। इसका अर्थ है गला सूख गया है। क्या पानी है? हलक तो मेरो भी सुखियो है, मशक में 2 बूंद पानी रहियो है। ले तू पी। ना तू पी। तू पी। ना ना तू पी। कहते हैं दोनों में से किसी ने पानी ना पिया और दम तोड़ दिया। राजस्थान की यह लोक कथा राजपूत दंपति के आपसी प्यार का तो उदाहरण है ही, साथ ही पानी के महत्व को भी प्रकट करती है। पानी अमृत है। हमारे शरीर का 2/3 और धरती का 3/4 भाग पानी है। तरबूज में तो 98% पानी ही है। अपनी दिनचर्या में झांको, पानी का नित्य प्रति के जीवन में बहुत उपयोग है। तुम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हो। माँ रसोई घर में कितना काम पानी की सहायता से करती है। चाय बनाना, सब्जी धोना, उसे पकाना, आटा गूंथना, बर्तन साफ करना, क्या यह सब पानी के बिना संभव है? घर की सफाई, कपड़े धोना, दांत साफ करना, नहाना, ये सारी क्रियाएं पानी की सहायता से ही होती हैं। बिना पूर्व सूचना के नल 4-5 घंटे के लिए बंद हो जाए तो कितनी मुसीबत आती है, यह तो तुम सब जानते ही हो। पानी जीवन का आवश्यक तत्व है। मनुष्य, पशु पक्षी, पौधे, जितने भी जीवित पदार्थ हैं, सबके लिए पानी आवश्यक है। तुम किसी गमले को उठाकर कमरे में रख लो, 4 दिन तक उसमें पानी ना डालो तो पौधा मुरझा जाएगा। तुम्हें 2-4 घंटे पानी ना मिले तो तुम कितने व्याकुल हो जाते हो। पानी से ही धरती नरम और उपजाऊ बनती है। तभी किसान वर्षा के बाद उसमें हल चलाकर खेती कर पाता है। पौधों को बड़ा करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर था। स्वतंत्रता के बाद लगभग सभी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए हैं। इससे बाढ़ के विनाशकारी पानी को रोक लिया जाता है और उसे निर्माण कार्यों में लगाया जाता है। पानी को ऊंचाई से गिराकर बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। नहरें निकालकर पानी के बहाव की दिशा मोड़ दी जाती है। उन स्थानों पर पानी उपलब्ध करवाया जाता है जहां इसका घोर अभाव है, जैसे सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान की मरुभूमि को पानी दिया गया है। पानी में जीवन देने की शक्ति है। यद्यपि
प्रकृति ने पानी के अक्षय भंडार हमें दिए हैं, किंतु फिर भी शुद्ध पानी की अधिकता नहीं है। हमारे घरों के नलों में जो पानी आता है वह शुद्ध किया होता है, उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। पानी को प्रदूषित होने से बचाना भी हमारा कर्तव्य है। गांवों में अभी भी जिस कुएं से पीने का पानी लिया जाता है, उसी कुएं के आसपास मल मूत्र त्यागने, कपड़े आदि धोने का कार्य भी किया जाता है। ऐसा करने से कुएं का पानी दूषित हो जाता है। दूषित पानी पीने से हैजा, टाइफाइड आदि रोग होने की संभावना होती है। पानी जीवन का सहारा है। जीवित रहने के लिए यह बहुत आवश्यक है। इसलिए प्राचीन सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ। खेती बाड़ी, परिवहन, उद्योग सब के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें पानी रूपी संपदा को हमेशा सुरक्षित रखना है। जहां भी स्थान मिले पेड़ पौधे लगाएं। वन उपवन लगाने से इस दिशा में बहुत सहायता मिल सकती है। तो बच्चों, सुना आपने, पानी हमारे जीवन का सहारा है। इसकी एक एक बूंद कीमती है। पानी बर्बाद नहीं करना है और गंदा भी नहीं करना है। रोज के जीवन में छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर हम पानी बचा सकते हैं। जैसे पीने के लिए अगर आधा गिलास पानी चाहिए तो उतना ही लें। नल अगर बिना कारण खुला है तो उसे बंद कर दें। बच्चों, अब इस पाठ में आए कुछ शब्दों का उच्चारण ध्यान से सुनो। राजस्थान, दिनचर्या, महत्व, व्याकुल, नित्य प्रति, उत्पादन, उपलब्ध, कर्तव्य। अब कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग देखते हैं। इन्हें तो आप जानते ही हैं। पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, अल्प विराम, विस्मय बोधक चिन्ह।